हे, वेलकम टू पीएस विलेज इंडिया टीवी। आज एक और टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है डायमंड डव ब्रीडिंग। ये डायमंड डव एक एग्जोटिक बर्ड का ब्रीड है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये यहाँ पे है, मेरे पास दो पेयर डायमंड डव है। ये नीचे एक पेयर है और ऊपर एक पेयर है। ऊपर वाला जो पेयर है उसने अभी अपने चिक्स को हैच किया है, तो मेल फीमेल दोनों मिल के नेस्ट पे बच्चे को केयर कर रहे हैं। तो डायमंड डव बहुत ही शांत स्वभाव का एक बर्ड है, और मैं पर्सनली डायमंड डव बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि ये लोग ज़्यादा नॉइज़ नहीं करते, शोर शराबा नहीं करते। और एक्चुअली ये डायमंड डव देखने में भी काफ़ी मुझे सुंदर लगते हैं। उसके जो टेल है काफ़ी लंबा होता है, और उसका जो बॉडी कलर है वो भी काफ़ी क्यूट लगता है। और उसके आँखों में की चारों ओर देखे रेडिश तरह का एक सर्कल आपको दिखाई देगा। ये जो उसके आई के सर्कल है उसको देख के आप उसका जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल है। मेरे पास देखो यहाँ पे दो है, एक का जो आई का सर्कल है थोड़ा सा थिक है, मोटा है, और दूसरे का थोड़ा सा हल्का है। और उसका कलर भी, जो बर्ड का आई सर्कल थिक और इसका रंग डार्क होगा वो मेल होगा, और जिसका आई सर्कल थोड़ा सा पतला होगा और इसका कलर हल्का सा लाइट होगा वो फीमेल होगा। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे ये जो पीछे वाला बर्ड है, पीछे जो अभी जा रहा है, ये जो बर्ड है ये मेरा मेल बर्ड है, मेल डब, और ये मेरा फीमेल है। और ये लोग दाना भी बहुत कम खाते हैं कंपैरेटिवली जो बजिस पैरट पालते हैं या बाकी पैरट प्रजाति के जो बर्ड्स रखते हैं उनके कंपैरिजन में। डायमंड डब का जो फूड है वो बहुत लोग कम लेते हैं, और फूड में ज़्यादा कुछ आपको मिक्स करके देने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग कॉमन बाजरा या हम लोग जो उसको कंगनी दाना या उसका तिल वगैरह देते हैं उसी से वो गुजारा कर लेते हैं। उसको स्पेशली कोई वेजिटेबल्स, कोई हरा सब्जी वगैरह इतना देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रीट देना बहुत आवश्यक है। ये ग्रीट है जो हम लोग कंकड़ पत्थर और जो ईटा का चूर्ण, उसके साथ जो कैल्शियम के लिए हम लोग एक होता है, इसको बोलते हैं समुद्री झाक, मतलब ये हम उसको बोलते हैं कटल फिश बोन, वाइट कलर का होता है, उसको चूरन बना के फिर जो पत्थर का चूरन, फिर ईटा का चूरन और जो कोयला होता है लकड़ी जलने के बाद, वो सारा चीज़ मिला के एक हम लोग ग्रिड बनाते हैं। मैं एक दिन सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगा कैसे ग्रिड बनाते हैं उसके ऊपर। तो ग्रिट खिलाने से जो डायमंड डब है उसका डाइजेशन में हेल्प होता है, और बाकी जो उसका सीड वगैरह है वो नॉर्मल कंगनी दाना हम लोग उसको देते हैं, तो कंगनी दाना से वो बहुत खुश रहता है। लेकिन ये अभी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को उनके बेबीज़ को दिखाने के लिए, तो देखते हैं कि लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये मेरा दोनों पैर है, चलो चलो चलो, थोड़ा सा अपना बेबीज़ को दिखा दो, दिखा दो दिखा दो दिखा दो। ए, देखो ये रहा इसका, देखो नीचे बेबी है, नीचे है, उड़ के गई। चलो 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 चलो, ये देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को शायद। हाँ, एक अंडा और है हैचिंग के लिए, और इसके नीचे ये क्यूट सा बेबी, 3 दिन उसका एज हुआ है, और एक और अंडा है। तो बेबी अपने माँ के साथ बहुत खुश दिख रही है। तो ये हो गया मेरा डायमंड डब का पहला जोड़ा। और जहाँ तक ब्रीडिंग की बात है, मैं कहूँगा डायमंड डब इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड, आपको अगर ब्रीडिंग नज़रिए से इसको पालना है तो। क्योंकि ये लोग एवरी मंथ एक पेयर अंडा देते हैं, और मैक्सिमम हैचबिलिटी है। अगर 2 अंडे देते हैं तो 2 अंडे हैच होते हैं, और चिक्स मॉर्टेलिटी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। आपको हर महीना 1 पेयर डायमंड डब के चिक्स आराम से मिल जाएगा। आपको बस थोड़ा सा उनका डाइट, और कोशिश कीजिए आपका जो केज का सेटअप है ना वो बाहर रहे, ताकि उनको सनलाइट मिल पाए। ये जो बर्ड का स्पेसिस है, इस स्पेसिस को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है। जितना धूप मिलेगा उसका कलर उतना खिलेगा, फलेगा, फूलेगा, और उसका हेल्थ भी अच्छा बना रहेगा। धूप का बहुत आदि है, क्योंकि ये एक्चुअली ये मिडिल ईस्ट एशिया की प्रजाति है, और यह वहाँ पर धूप बहुत मिलते हैं उनको। तो आप भी अगर उनको धूप प्रोवाइड करेंगे तो उनके बॉडी के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं धीरे धीरे बनाता जाऊंगा वीडियोस कि उनको दाने में क्या खिलाना चाहिए, और उनका केयर क्या करना चाहिए, और उनको कौन सा विटामिन, कौन सा कैल्शियम, कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आज इस वीडियो में मैं अपने बर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया आपके साथ, और थोड़ी बहुत बातें की डायमंड डब के बारे में।
और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में रखा बेल आइकन को भी दबा देना। इससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है आगे इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आया तो, और कमेंट करके बताना कि आपको डायमंड अप के बारे में कुछ और जानना है तो। और इसके ऊपर मैं एक्चुअली दो साल से मैं बर्ड ब्रीडिंग फील्ड में हूँ तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। तो अगर आप लोग सवाल करेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सवाल का कुछ सोल्यूशन देने के लिए। तो ये डायमंड अप की ब्रीडिंग के ऊपर आज वीडियो था। तो खैर, मुझे बजीज पालने का भी एक्सपीरियंस है और मैंने बजीज भी बहुत पाले हैं और जावा बर्ड भी मैंने पाले और मैंने कॉकेटेल भी पाले, लव बर्ड्स भी पाले हैं। तो आप लोगों को अगर उस पर्टिकुलर बर्ड्स ब्रीडिंग पे कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज का वीडियो में इतना तक। इस वीडियो को पूरा तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।